हेलो ब्रिलियंस, अभी हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास के लिए चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स और एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 13.1 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी हमें ये इस फॉर्म में दे रखी थी 2^6 एक्सपोनेंशियल फॉर्म और उससे हमने इस रूप में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू निकाली थी और अब हमें ये इस फॉर्म में मिली हुई है, इससे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आसान है, लेट अस डू। हमें मिला हुआ है 6 × 6 × 6 × 6 चार बार ऐसे मिला हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 6 की पावर 4 होगी। अगर 5 टाइम्स होती तो 5 होती, 6 टाइम्स होती तो 6 होता है यहाँ पे, और अगर ये 10 टाइम्स लिखा होता तो यहाँ पे 6^10 कितना होता बताओ, एग्जैक्टली 10। ब्रिलियंट, टी इंटू टी, दो बार टी आ गया तो टी की पावर बताओ क्या होगी, बिल्कुल सही जवाब, t^2। क्या कह रहे हो, 3 होगी? नहीं, 3 क्यों होगी, दो बार है तो 2 होगी, 3 बार होता टी तो 3 होता, राइट। बी कितनी बार है, हाँ जी 4 टाइम्स, तो बी की पावर होगी 4। नेक्स्ट फोर्थ, यहां तो दो ग्रुप आए हुए हैं, 5 का ग्रुप है और एक 7 का ग्रुप है, तो इसको 5 के ग्रुप के रूप में लिखेंगे, 5 2 बार आया है तो 5^2, 7 3 बार आया है तो 7^3 होगी। फिफ्थ, 2 2 है और 2 a है तो 2^2, 2 ग्रुप बनेंगे तो इससे आया 2^2 और इससे आया 1^2, ठीक है ना। सिक्स्थ, यहां पर हमारे पास 3 ग्रुप आए हुए हैं, ए कितनी बार आया है जरा ध्यान से लिखेंगे, 3 बार, सी कितनी बार आया है, 4 बार और डी 1 बार, तो इसका आंसर होगा a^3, c^4, d^1, a^3 c^4 d, ऐसे 3 बार आया तो 3, 4 बार आया तो 4 लिख दिया, 1 बार आया तो 1, फिर इसको मल्टीप्लाई हटा करके ऐसे लिख दिया। ओके, तो कितने पार्ट्स थे इसके, 6 पार्ट्स थे, 6 के 6 हमने कर लिए, होप सो अच्छे समझ में आया होगा। एक बार समराइज कर देते हैं इसको, जितनी बार कोई नंबर आता है उसको हम उतनी ही उसकी पावर लगा देंगे, तो यहाँ पे 6 4 टाइम्स था तो 4 आ गया, टी 2 टाइम्स था तो 2 आ गया, बी 4 टाइम्स था 4 आ गया, यहाँ 2 ग्रुप आए हैं 5 के और 7 के, 5^2 होगी, 7^3 होगी, यहाँ 2 बार 2 ग्रुप आए हुए 2 के और 1 के, 2^2 होगी और 1^2 हो गई, यहाँ 3 ग्रुप आए हैं ए के सी के एंड डी के, 1^3 होगी, 6^4 एंड डी 1, तो इसको फिर ऐसे लिख दिया, समझ में आया, गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, बाय बाय।